नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम आपको ये बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व आने वाला है 15 अगस्त को, उस दिन बहनें अपने भाई को किस रंग की राखी बांधे। हर बहन की इच्छा होती है कि वो अपने भाई को अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर राखी बांधे, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा भगवान की ब्लेसिंग जुड़ जाए, उसमें थोड़ा सा अच्छी शुभकामनाएं जुड़ जाएं और भाई का लकी कलर इन्वॉल्व हो जाए, तो निश्चित रूप से बहन को भी खुशी होगी और भाई को भी खुशी होगी। तो हम अपने दर्शकों को आज बताने वाले हैं, खास करके बहनों को जो अपने भाई के लिए राखी खरीदने वाली हैं। देखिए, आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त को ही हम आपको ये बताए दे रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो यदि आपने अभी तक राखी नहीं खरीदी है और राखी की मार्केटिंग करने वाली हैं, तो आप ज़रूर जो है अपने भाई के लकी कलर के हिसाब से राखी ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके भाई का लक जो है और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि बहनें अपने भाई को किस रंग की राखी बांधें। तो बहनों को किन बातों का ख्याल रखना है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, बहनों को क्या करना है कि अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ का ख्याल रखना है कि आपके भाई की बर्थ डेट क्या है, किस तारीख को जन्म हुआ है, उसी के हिसाब से हम उसका लकी नंबर बताएंगे और लकी नंबर के हिसाब से आपके भाई का लकी कलर बताएंगे और आप उस लकी कलर की राखी बांधेंगी, तो आपके भाई का लक रक्षाबंधन से और बढ़ जाएगा, लक उनका साथ देगा और वो अपने सपने साकार करेंगे। तो यदि आपके भाई की जन्म की तारीख, बहनें बड़ी ध्यान से सुने, या जो लोग भी राखी बांधना चाहते हैं बड़े ध्यान से सुने, जिसको आप राखी बांधने वाले हैं उसका लकी कलर क्या होगा, यदि आपको ये पता लग गया तो आप उनके लकी कलर की राखी मार्केट से ले आइए और फिर रक्षाबंधन के दिन बांध दीजिए। तो यदि आपके भाई की जन्म की तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, 1, 10, 19 या 28 इनमें से किसी भी तारीख को आपके भाई का जन्म हुआ है तो उनका लकी नंबर बनता है 1। और एक नंबर यदि आपके भाई का लकी नंबर है तो आप उनके लिए किस रंग की राखी बांधें। तो देखिए, आप उनके लिए गोल्डन रंग की राखी बांध सकती हैं, आप उनके लिए येलो कलर की राखी बांध सकती हैं, आप उनके लिए जो है चमकता हुआ जो सिल्वर कलर है उस रंग की राखी बांध सकती हैं, आप उनके लिए जो मरून कलर है, जो डार्क रेड है, मरून कलर है, उस रंग की राखी बांध सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आपके भाई की जन्म की तारीख जो हमने अभी बताई वो है, तो उनके लिए जो बेस्ट कलर होगा गोल्डन कलर, मरून कलर जो है बहुत लकी होगा, तो आप गोल्डन कलर या मरून कलर की राखी मार्केट से ला सकती हैं, और अगर उसमें बीच में थोड़े से सिल्वर का भी डिज़ाइन हो तो वो भी चलेगा। तो ये तीन जो हमने आपको ये कलर कॉम्बिनेशन बताए, तो इनका मिला जुला रूप अगर किसी राखी में है तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे एक कलर में राखी मिलना हो सकता मुश्किल हो, इसलिए हमने इतने सारे ऑप्शन दिए आपको कि अगर ये कलर उस राखी में है, प्रॉम्प्ट है ये, तो आप वो राखी ले सकते हैं अपने भाई के लिए, उनके लक को और बढ़ाएगा। अब बात करते हैं जिनका लकी नंबर 2 है। तो यदि आपके भाई का जन्म 2 तारीख, 20 तारीख और 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपके भाई का लकी नंबर होगा 2। फिर से सुन लीजिए, 2, 11, 20 या 29 तारीख को यदि आपके भाई का जन्म हुआ है तो आपके भाई का लकी नंबर 2 है। तो बर्थ डेट बड़े ध्यान से सुननी है आपको, 2, 11, 20 और 29, तो आपके भाई का लकी कलर होगा वाइट। तो वाइट से जो मिलते जुलते कलर हैं, जैसे सिल्वर कलर है, क्रीम कलर है, वाइट कलर है या चमचमाता हुआ जो सफ़ेद रंग है, वो रंग जिस राखी में प्रॉम्प्ट हो, ज़्यादा हो, उस कलर की राखी आप ले आएँ और अपने भाई को बांधें, तो निश्चित रूप से उनका लक और बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे भाइयों की जिनका लकी नंबर है 3। तो बहनें सुन लें, यदि आपके भाई का लकी नंबर 3 है तो किस रंग की राखी बांधनी है। तो यदि आपके भाई का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपके भाई का लकी नंबर होगा 3। तो डेट ऑफ बर्थ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं भी बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ।
3, 12, 21 या 30 तारीख को यदि आपके भाई का जन्म हुआ है तो लकी नंबर है 3। तो आपको अपने भाई को किस रंग की राखी बांधनी है यदि लकी नंबर 3 है? येलो कलर, पीले रंग की राखी बांधनी है। पीला रंग हल्का पीला हो सकता है और आपका हल्दी जैसा कलर भी हो सकता है, और येलो की जितने भी शेड हैं उनसे मिलती जुलती हुई राखी ले आइए और अपने भाई को बांध दीजिए। यदि आपके भाई का लकी नंबर 4 है तो आप किस रंग की राखी बांधें? तो पहले आप जानिए कि किन लोगों का लकी नंबर 4 होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख 13 तारीख और 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है उनका लकी नंबर होता है 4। तो यदि आपके भाई का लकी नंबर 4 है तो आप उनके लिए लाइट ब्लू कलर, ब्राउन कलर की राखी ले सकती हैं और अपने भाई को बांध सकती हैं, तो उनके लिए शुभ रहेगा। अब बारी आ गई जिनका लकी नंबर 5 है। तो यदि आपके भाई का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपके भाई का लकी नंबर 5 है तो आप उन्हें ग्रीन कलर की राखी बांध सकती हैं, सी ग्रीन कलर की राखी बांध सकती हैं। ये ग्रीन से मिलते जुलते हुए जो कलर हैं, हरे रंग से मिलते जुलते हुए जो कलर हैं, उस रंग की राखी ले आइए, या ऐसी राखी जिसमें ये कलर ज़्यादा दिख रहे हों वो राखी भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं, तो बांधिए तो उनका लक और बढ़ेगा। बात करते हैं जिनका लकी नंबर होता है 6। यदि आपके भाई के जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपके भाई का लकी नंबर होगा 6। तो आप अपने भाई को चांदी जैसे चमकता हुआ जो सिल्वर कलर होता है उस रंग की राखी बांध सकती हैं, आप वाइट कलर की राखी बांध सकती हैं, ऑफ वाइट कलर की राखी बांध सकती हैं जिसमें वाइट या चमकता हुआ जो सफ़ेद रंग है उसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जिस राखी में, वो राखी आप अपने भाई के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनके भाई का लकी नंबर 7 है तो वो क्या करें, वो किस रंग की राखी बांधें? तो यदि आपके भाई का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपके भाई का लकी नंबर होगा 7 यानी 7। तो आप अपने भाई को किस रंग की राखी बांधें? तो देखिए, आप अपने भाई को ऑफ वाइट, जो मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद ना हो, ऑफ वाइट कलर ले लीजिए। और आप क्या ले सकती हैं कि लाइट ब्राउन कलर ले सकती हैं, ऑफ वाइट, लाइट ब्राउन, और थोड़ा सा ऐसा कलर जिसमें 2-3 कलर का मिक्सचर हो, जैसे वाइट, लाइट रेड और लाइट ब्राउन, इस कलर का मिक्सचर हो तो वो कलर भी आप ले सकती हैं। इवन लाइट ब्लू कलर भी ले सकती हैं आप अपने भाई के लिए। तो इस तरह का जो मिक्सचर कलर है वो ले लीजिए। यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है सेलेक्ट करने में तो ऑफ वाइट कलर का जो लाइट कलर की राखी हो वो आप अपने भाई को बांधिए, तो निश्चित रूप से उनका लक और बढ़ेगा। ऑफ वाइट कलर 7 नंबर वालों के लिए बहुत लकी रहा है, और 7 नंबर वाले जो लोग हल्का सा डल वाइट कलर इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अब बारी आ गई जिनका लकी नंबर 8 है। तो यदि आपके भाई का लकी नंबर 8 है तो ये जान लीजिए कि उनका जन्म किस तारीख को हुआ होगा। तो यदि आपके भाई के जन्म किसी महीने की 8 तारीख और 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपके भाई का लकी नंबर 8 होगा। तो आप उनको ब्लू कलर की, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कलर की राखी बांधेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई आखिरी नंबर की, वो है 9 नंबर। 9 नंबर किनका लकी नंबर हो सकता है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या जो है 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका लकी नंबर होगा 9, यानी 9 नंबर होगा। तो यदि आपके भाई का लकी नंबर 9 है तो उन्हें आप रेड कलर की राखी बांध सकती हैं, लाल रंग की राखी बांध सकती हैं। तो लगभग सारी डेट ऑफ बर्थ हमने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कवर की है, और जिस तारीख को आपके भाई का जन्म हुआ है उस हिसाब से उसका लकी नंबर इस एपिसोड में देख लीजिए, और उनका लकी कलर जो है, जो हमने आपको बताया इस कार्यक्रम में, तो उस लकी कलर की आप राखी बांधिए। या मार्केट में एक कलर की राखी ना मिले तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जो लकी कलर है वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए, तो वो उनके लक को बढ़ाएगा। तो उस रंग की राखी ले आइए और अपने भाई को बांधिए तो उनका लक और बढ़ेगा। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए सो तक, मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे अच्छा सा कोई उपाय लेकर। नमस्कार।